आज हम आपको प्योर वेजिटेरियन खाना बनाना सिखाएंगे, जो कि आप भी एकदम टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार प्योर वेजिटेरियन खाना बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको मार्केट से ग्रीन मटर्स, उसके बाद भिंडी, पटेटो, यूनियन, ये सारा चीज़ आपको तैयार रखना है। उसके बाद इसे आप चाहे तो पटेटो को गर्म पानी में उबाल कर, और इसे आप हाथों से आप इसे थोड़ा थोड़ा करके फोड़ भी सकते हैं। तो हम जो आज काट कर बनाना सिखाएंगे, नॉर्मल स्पाइस और नॉर्मल तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि आप भी काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से धर के आपको चाकू से काट लेना है, थोड़ा थोड़ा करके सारा यूनियन को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। देखिए हमारा यूनियन पूरा छोटे छोटे टुकड़े में कट चुका है और कुछ इस तरीके से देखने लगा है। आलू को भी पटेटो को भी हमने काट पानी डाल देना है, ना के बराबर ही डालना है पानी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छे तरीके से इसे हाथ से आपको धो लेना है। जब तक धोते रहिए जब तक इसका सारा जो मिट्टी उट्टी इसमें आलू में लगा होता है वो बाहर निकल जाए, और इसे एकदम साफ तरीके से धोकर फ्रेश करके तभी इसे बनाएं। सभी चीज़ को धो लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एकदम फ्रेश फ्रेश, तो इसी तरीके से आप भी धो लीजिएगा। उसके बाद छोटा सा आपको एक बनाने के लिए पतीला या कोई चीज़ आप ग्राउंड आकर प्रयोग कर सकते हो। मैं अभी पतीला को ऊपर में रख दिया और ऊपर में जलने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम हमारा ये गर्म कर रहा है। उसके बाद इसमें सारा चीज़ डालेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डालना है, ना के बराबर डालना है, ताकि सेहत के लिए खराबी ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा ही सरसों के तेल को प्रयोग किया हूँ इसमें, तो आप भी इतना ही कीजिएगा ताकि सेहत आपको अच्छा रहे और कोई दिक्कत ना हो। और इसमें इसमें थोड़ा हम यूनियन डालेंगे और तेल में आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, ज़्यादा गर्म करके मत डालिएगा, हाथ पकने का डर रहता है। इसमें हम थोड़ा यूनियन डाल दें, देख सकते हो। और इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए ताकि जलने ना दे और अच्छी तरीके से लाल हो जाए, तो आप तभी इसमें कुछ और चीज़ को डालिएगा। तो अभी कम से कम 2 से 1 मिनट इसे अच्छी तरीके से आप चलाते रहिए ताकि ये प्याज जो यूनियन है जो लाल हो जाएगा। उसके बाद आप में इसमें कुछ और तरीके के प्रयोग कीजिएगा। अब इसमें मटर को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसमें मटर डाल दिए हैं और इसके यूनियन के साथ इसे अच्छी तरीके से भून डालना है ताकि अच्छा लगेगा दिखने में। और अच्छी तरीके से इसे जब तक मिलाते रहिए जब तक ये लाल ना हो जाए और मटर अच्छी तरीके से पक ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भिंडी जो कटा हुआ था, और दोनों के एक साथ बड़ी अच्छी तरीके से चलाते रहिए ताकि इसे लाल कर दे। और ताव कम से कम आपको 70 से 50 डिग्री पर ही रखना है ताकि अच्छी तरीके से आपको इसके अंदर ताप मिले। उसके बाद इसे अच्छे तरह से चलाने के बाद देखिए ये थोड़ा थोड़ा लाल आपको दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पटेटो को एक साथ डाल देंगे और उसके बाद तीनों चीज़ को एक ही साथ चलाना है। पटेटो भी इसके साथ लाल होता रहेगा तब इसमें हम स्पाइस को प्रयोग करेंगे। हमने पटेटो को डाल दिया है और तीनों को एक साथ चलाएंगे। 5 मिनट इसे भूजने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा एकदम लाल लाल करके। और इसमें आप 2 मिनट और छोड़ दीजिए ताकि इसे ढकने से ढक दें, ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ताव को प्रयोग हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिकने के भी चांस होता है। तो आप इसे ढकना से ढक दें और 2 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद इसमें स्पाइस को प्रयोग कीजिएगा। 2 मिनट छोड़ देने के बाद ये देखिए कुछ अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लाल हो चुका है तीनों को तीनों चीज़। तो इसमें हम स्पाइस को प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको लाल पाउडर को प्रयोग करना है, लाल मिर्च को, तो अच्छे तरीके से आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग करेंगे, तो हल्दी को भी डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भी डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक का इसमें नमक भी डाल दिए हैं और एक साथ इसे चलाना है। एक साथ चलाने के बाद देखिए कुछ अच्छी तरीके से ये सारा चीज़ एकदम मैश हो गया है। और इसमें थोड़ा सा आपको पानी थोड़ा सा डालना है और गैस को थोड़ा ताव बढ़ाना है। देखिए हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिए हैं। पानी डाल देने के बाद थोड़ा सा इसको चलाना है ताकि अच्छे तरीके से स्पाइस जो है हमारे सब्ज़ी का जो हमारे जितना भी जो पदार्थ है सारा चीज़ एक साथ मिल जाए और अच्छे तरीके से हमारे रिजल्ट जो है बाहर आएगा। तो इसे एक साथ चलाते रहिए। और पानी डालने का फायदा ये है कि आपको जो स्पाइस या मसाले इसमें डाले हैं वो सारा चीज़ एक साथ मिल जाएगा, तब आप इसे आराम से एकदम टेस्टी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद इसमें आप चाहे तो रस भी लगा सकते हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी खा सकते हैं। देखिए हमारा सारा जो अंदर का पानी है वो सूख चुका है और सिर्फ स्पाइस और पदार्थ ही नज़र आते हैं। तो आप चाहे तो इसमें रस लगा के खा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आप सूखा भी खा सकते हैं। तो ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार बना है। तो हम इसमें रस को प्रयोग करेंगे और आगे की प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ रस डालने के बाद कैसा दिखता है। तो हम इसमें रस बनाते हैं, रस डालते हैं और कम ही लेवल में आप इस वाटर को प्रयोग कीजिएगा ताकि ख़राब ना हो सब्ज़ी और अच्छा बने। तो हम जब तक डालते रहेंगे जब तक उस लेवल तक पहुँच नहीं जाता है। तो बस मैं इतना ही तक वाटर को प्रयोग किया हूँ और इसको अच्छी तरीके से आप चलाएं अंदर से। खूब अच्छी तरीके से चलाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसे आप कम से कम 10 या 5 मिनट छोड़ दें ढक के, उसके बाद ही खाने में प्रयोग कीजिएगा। और इसमें आप गरम मसाला बहुत चीज़ ऐसा है मीट मसाला बहुत चीज़ को इसमें प्रयोग कीजिएगा और काफ़ी अच्छा काफ़ी मज़ेदार खुशबू आ रहा है देख सकते हो और काफ़ी टेस्टी है। तो इसे आप ढक दें 5 से 10 मिनट के बाद ही इसको इस्तेमाल खाने में कीजिएगा। तो हम इसे ढक देते हैं। देखिए 5 से 10 मिनट हम इसे छोड़ दिए हैं और इसको हम अभी ओपन करते हैं किस तरीका का रिजल्ट आता है। तो हम इसे अभी ओपन करते हैं। देखिए ओपन करने के बाद ये सारा वेजिटेरियन सब्ज़ी हमारा तैयार हो गया है और काफ़ी मज़ेदार काफ़ी टेस्ट बना है।
तो हम इसे आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं और रस के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।